आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ और महत्वपूर्ण वाक्यांशों को लेकर आया हूँ। इन वाक्यांशों की अभी आपको एक एक की आउटलाइन बना के बता रहा हूँ, तो आप मेरे साथ बने रहें इस वीडियो में शुरू से आखिर तक। ये वाक्यांश आपकी स्पीड को भी बढ़ाएंगे और गलतियों को भी कम करेंगे। और यदि किसी कारण से आपकी स्पीड फिर भी नहीं बन पा रही है, गलतियाँ अधिक आ रही हैं, या बिल्कुल स्टार्टिंग से आप शॉर्ट हैंड सीखना चाह रहे हैं, चाहे आप अभी स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हो या रिपोर्टर की, सभी के लिए हमारे यहाँ क्लासों की व्यवस्था है। ऑनलाइन क्लासेस सुबह और शाम दोनों ही समय चलती हैं। मैंने एडवांस आउटलाइन की बुकें तैयार की हैं, उनको आप ले सकते हैं। रामधारी गुप्ता खंड एक और खंड दो को लिखने में आपको कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है, तो मैंने इनकी एडवांस आउटलाइन की बुक तैयार की है, इनको पूरा ट्रांसलेट किया है शॉर्ट हैंड में, उनकी बुक भी आपको मिल जाएंगी। शॉर्ट हैंड से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कैसे बुकों को परचेज करना हो, कैसे क्लासों को ज्वाइन करना है। अभी इन वाक्यांशों की आउटलाइन आपको बना के बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला है रोजगार गारंटी कानून। इसकी आउटलाइन कैसे बनानी है? रोजगार रा बनाएंगे, ऐसे लाइन से बनाएंगे इसको, जा का आंकड़ा लगाएंगे और गा में रा का आंकड़ा। रोजगार गारंटी के लिए गा में रा का आंकड़ा लगाइए और ना का आंकड़ा लगाइए, गारंटी। और इसके लिए क्या करेंगे? कानून का बनाएंगे, ना का आंकड़ा और ना बना देंगे, रोजगार गारंटी कानून। इसके आगे शब्द है सुनिश्चित रोजगार योजना। इसको कैसे बनाएंगे? ऊ की मात्रा है, लाइन काटते हुए बनाएंगे, सा का आंकड़ा बनाएंगे, ना बनाएंगे, फिर सा का आंकड़ा और चा बनाएंगे। सुनिश्चित रोजगार के लिए वही रा बनाएंगे, जाके आंकड़े के साथ में गा में रा का आंकड़ा। रोजगार योजना, योजना के लिए क्या बनाएंगे? सिर्फ आपको जा बनाना और ना का लगा देना आंकड़ा, तो यहाँ आउटलाइन बन जाएगी आपकी सुनिश्चित रोजगार योजना। ऐसे ही ये शब्द है मतगणना स्थल। इसको कैसे बनाएंगे? मत का सब चिन्ह बनाइए लाइन से ऊपर, माँ को आधा कर देंगे, ता लगा हुआ है, मत। गणना के लिए गा में रा का आंकड़ा लगाएंगे और ये ना का आंकड़ा। इसी में स्थल सा बनाएंगे, ला बनाएंगे, स्थल और ये पर, मतगणना स्थल पर। आगे शब्द है दक्षिण एशियाई देश। इसकी आउटलाइन कैसे बनानी है? दक्षिण के लिए दा बनाएंगे, छा के लिए सा का आंकड़ा और ना। दक्षिण एशियाई के लिए सा बनाइए और ये देश, दक्षिण एशियाई देश। अब आगे शब्द है शिक्षक दिवस। इसको कैसे बनाएंगे? देखिए, शिक्षक पहले सा का आंकड़ा नाम बनाएंगे, का बनाएंगे, छा को सा भी बोलते हैं, फिर शिक्षक, और दिवस के लिए दा बनाएंगे, वा बनाएंगे, सा का लगा देंगे आंकड़ा, तो यह आउटलाइन बन जाएगी शिक्षक दिवस। अब ये शब्द है आतंकवाद के खिलाफ। इसको कैसे बनाना है? देखिए, बड़े आ की मात्रा है तो ता को क्या करेंगे? लाइन से ऊपर और का बना देंगे, ये हो जाएगा आतंक। और वाद अगर लिखना है तो वा बना देंगे ऐसे। आतंकवाद के खिलाफ, खिलाफ के लिए क्या करेंगे? खा में ला का आंकड़ा लगा देंगे इस तरह से, तो ये हो जाएगा आतंकवाद के खिलाफ। इसके बाद ये शब्द है लोक कल्याणकारी राज्य। इसको कैसे बनाएंगे? लोक के लिए ला को आधा कर दो, का लगा हुआ है, लोक। कल्याणकारी के लिए का में ला का आंकड़ा और कारी में का में रा का आंकड़ा लगाएंगे, और राज्य के लिए रा बनाइए, जा का आंकड़ा और इसमें या का आंकड़ा लगा दो, तो इस प्रकार से ये बन जाएगा लोक कल्याणकारी राज्य। ऐसे ही ये शब्द है भूख हड़ताल। इसकी आउटलाइन को कैसे बनाना है? देखिए, यहाँ पे ये भूख हड़ताल लिखा हुआ है, तो भूख के लिए क्या करेंगे? भा बनाएंगे लाइन काटते हुए और खा बनाएंगे भूख। हड़ताल के लिए हा बनाएंगे, अड़ा को आगे बढ़ाते हुए ता में ला का आंकड़ा लगाएंगे और इसमें पर, अड़ा को यहाँ से कट कर देंगे, तो ये आउटलाइन बन जाएगी भूख हड़ताल पर। ऐसे ही ये है शब्द स्वतंत्रता दिवस। इसकी शॉर्ट हैंड कैसे बनाएंगे? देखिए, स्वतंत्रता का पहले शब्द बनाएंगे, ये हो गया स्वतंत्रता, लगा दो इसमें, तो ये हो गया स्वतंत्रता दिवस के लिए सिर्फ वा और सा का आंकड़ा, तो ये आउटलाइन बन जाएगी स्वतंत्रता दिवस। आगे है स्वाधीनता दिवस। इसको शॉर्ट हैंड में कैसे बनाना है? स्वा के लिए सा का आंकड़ा और वा, स्वाधीनता के लिए धा बनाएंगे और दिवस के लिए दा बनाइए, वा के साथ में सा का आंकड़ा, स्वाधीनता दिवस, धा को यहाँ से कट कर दीजिए। ऐसे ही ये शब्द है हेल्पलाइन। इसको शॉर्ट हैंड में कैसे बनाएंगे? देखिए, हेल्प के लिए हा का आंकड़ा लगाइए और ला बनाइए और पा बनाइए, हेल्प लाइन के लिए ला बनाइए, उसमें ना का लगा दीजिए आंकड़ा, तो ये आउटलाइन बन जाएगी हेल्पलाइन। आगे है लोक लोभावन नारा। इसको शॉर्ट हैंड में कैसे बनाएंगे? लोक के लिए ला को आधा कर दीजिए, का लगा हुआ है, व्यंजन को आधा करने वाला नियम, लोभावन के लिए ला बनाइए, भा बनाइए, लोभावन, और नारा के लिए ना में रा का आंकड़ा लगा दीजिए, भा को यहाँ से कट लगा दो, तो ये आउटलाइन बन जाएगी लोक लोभावन नारा।
आगे है सनातन विरोधी अभियान, इसकी शॉर्टहैंड कैसे बनानी है? सनातन के लिए सा का आंकड़ा लगाइए, ना बनाइए और ता बनाइए। सात सनातन विरोधी के लिए वा के साथ में रा बनाते हुए धा लगाइए, विरोधी। और अभियान के लिए क्या करेंगे? भा के साथ में या और ना का लगाएंगे आंकड़ा, विरोधी अभियान। ये आउटलाइन बन जाएगी सनातन विरोधी अभियान। आगे शब्द है गणतंत्र दिवस, इसको शॉर्टहैंड में कैसे बनाएंगे? गणतंत्र के लिए गा बनाएंगे और ना बनाएंगे, दिवस के लिए दा बनाइए, वा बनाते हुए साका लगा दीजिए आंकड़ा। तो ये आउटलाइन बन जाएगी गणतंत्र दिवस। ऐसे ही ये शब्द है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इसको शॉर्टहैंड में कैसे बनाना है? अंतर्राष्ट्रीय के लिए अंतर्राष्ट्रीय वाला शब्द बनाएंगे, तर का आंकड़ा, व्यंजन को दोगुना करने वाला नियम, और राष्ट्रीय के लिए सा के साथ में टामेरा का आंकड़ा लगा देंगे अंतर्राष्ट्रीय। महिला के लिए माँ हा का आंकड़ा लगाएंगे और ला, और दिवस के लिए दा बनाइए वा के साथ में सा का आंकड़ा। ये आउटलाइन बन जाएगी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो यहाँ कुछ महत्वपूर्ण वाक्यांश थे जिनकी मैंने अभी आपको एक एक की आउटलाइन बना के बताई है, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा आप वाक्यांशों को मिला करके लिखेंगे उतना ही आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और गलतियाँ भी आपकी कम होंगी। शॉर्टहैंड से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे बुकों को परचेज करना है, कैसे क्लासों को ज्वाइन करना है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी शानदार वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।